भी सेमीफाइनल खेले थे, T20 में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा वेट फेस में, यहाँ भी हम सेमीफाइनल। ये कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहोगे और एक कदम आगे जाने के लिए क्या कहोगे? बहुत खुशी है सर, आपने बोला सेमीफाइनल भी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर इंडिया जीते ना तो मतलब कि खराब टूर्नामेंट हो गया। तो सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है और ऐसे बड़े स्टेज पे, और हम काफी खुश हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। हम हमेशा से एक लिमिटेड ओवर्स में हमेशा से अच्छी साइड रहे हैं और हमेशा से हमारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो मैच जिता सकते हैं अपनी एबिलिटी पे। तो जो भी नया बंच आ रहा है, आई थिंक हमारे सिस्टम को भी क्रेडिट जाता है और प्लेयर्स को भी क्रेडिट जाता है जो इस तरीके का माइंडसेट लेके आते हैं कि हमारा ट्रांजिशन कभी मुश्किल नहीं रहा, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में। तो अभी भी जो नए प्लेयर्स आए हैं उनका भी जो माइंडसेट है वो यही है, जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि हम जाके कब दिखाएं दुनिया को कि हम भी मैच जिता सकते हैं। तो अगर वैसा माइंडसेट रहेगा तो हमेशा आप बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करेंगे, क्योंकि लोगों को एक स्टेज चाहिए जहां पे जाके वो अपनी स्किल को डिस्प्ले करें और अपने देश को मैच जिताने का एक जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो मैं बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मानता हूं इसको कि हम तीनों बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, और होपफुली अगर अच्छी क्रिकेट हम खेलेंगे, सब बॉक्सेस को टिक करेंगे, तो होपफुली हम फाइनल्स भी खेलेंगे। लेकिन उतना हम सोचेंगे नहीं, कल जाएंगे और अपने आप को एंजॉय करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स।